देखिए इलेक्शन धमाका में हम आपको ये बता चुके हैं कि बिहार में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसका तो ऐलान हो चुका है। पशुपति पारस नाराज भी हैं, इस्तीफा भी उनके जरिए दे दिया गया है और उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। हमने ये भी बताया कि उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज चल रहे हैं, एक सीट मिली है, खुश नहीं है बिल्कुल, लेकिन सीट बंटवारे से आगे बढ़ते हुए एनडीए प्रचार अभियान के लिए अब एक्शन मोड में कुछ इस तरह से आ चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। लंबी खींचतान, लगातार बैठकों का दौर, मुलाकातों का सिलसिला और खुद के लिए बढ़ चढ़कर सीटों की मांग। बिहार में लोकसभा के चुनावी समर से पहले ये सब कुछ हुआ। यही नहीं, कभी आंख दिखाई गई तो कभी जुबानों में तलखी के जरिए अपने कद का एहसास कराया गया। लेकिन एनडीए ने इन सभी वाक्यातों से पार पाते हुए आखिरकार सारा मामला सुलझा लिया और कर दिया सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान। सभी 40 सीटों पर पूरा एनडीए की सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटें जीत कर आएंगी, ये हमारा विश्वास है। तो सीटों के बंटवारे के जरिए बीजेपी ने बता दिया कि लोकसभा के लिए बिहार में वो बड़े भाई की भूमिका निभाएगी और सबसे ज्यादा 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं बीजेपी से सिर्फ एक सीट कम 16 सीट पाकर जेडीयू को भी एहसास है कि उनकी मुरादें पूरी हो गई हैं। मैंने आपसे एक महीने पहले कहा था आप ही के चैनल कि हम 16 सीटें जीते थे, वो हमारी अमानत है और उसको हम सुरक्षित रखेंगे। आज सीटों का बंटवारा हुआ है और इस बंटवारे से पार्टी प्रसन्न है। एक दो सीटों की अदला बदली वो राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण होती है। नए फॉर्मूले में अधिक सीटों का दावा करने वाले जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी सिर्फ एक एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा। लेकिन इस फॉर्मूले में अगर किसी की लॉटरी लगी है तो वो है चिराग पासवान, जिसकी पार्टी को 5 सीटें दी गई हैं, जिसमें हाजीपुर की वो सीट शामिल है जिसको लेकर चाचा भतीजे में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। दोनों अड़े थे और भतीजे ने ऐसी बाजी मारी कि चाचा के हाथ कुछ नहीं लगा। उन्होंने हमेशा कहा कि जब तक वो राजनीति में है उनका समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए रहेगा। ऐसे में उन्हीं प्रधानमंत्री के उस लक्ष्य 400 सीटों के उस लक्ष्य को पूरा करने की राह में वो रोड़ा बनेंगे, इस बात का जवाब उन्हीं को ही देना। तो सबसे ज्यादा उम्मीदवारों के ऐलान के बाद एनडीए ने बिहार में भी इंडिया गठबंधन पर पहली बढ़त बना ली है। सीटों को लेकर एक तरफ जहां गठबंधन में अब भी कांग्रेस और आरजेडी में तनातनी चल रही है, वहीं एनडीए ने सब कुछ क्लियर करते हुए फिर से बड़ी जीत का दावा ठोक दिया है। स्पष्ट है कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार और 40 की 40 सीट जीतकर देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है। ये पूरी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो आप ने टारगेट रखा है 40 को 40 सीट जीतने का, उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधानमंत्री का जो संकल्प है 400 पार उसमें हम लोग पूरा करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला था, जबकि लेफ्ट पार्टियां अलग से मैदान में ताल ठोक रही थी। एनडीए की तरफ से बीजेपी और जेडीयू ने 17-17 सीटों पर, जबकि एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और जेडीयू की एक सीट छोड़कर 40 में 39 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं 39 सीटों पर लड़ने वाले महागठबंधन में कांग्रेस को छोड़कर सभी शून्य पर रहे और एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा। 2019 में बीजेपी के करीब 24% वोट के साथ एनडीए को 53% से ज्यादा वोट मिले, जबकि महागठबंधन को करीब 31% मत हासिल हुए, जिसमें आरजेडी ने 15% से ज्यादा वोट हासिल किए। खैर, सीटों पर सहमति के बाद सभी 40 सीटों पर जीत का दावा करने वाली एनडीए की सबसे बड़ी चुनौती पिछले रिकॉर्ड को बनाए रखना है, तो वहीं गठबंधन की बड़ी चुनौती है कि फिलहाल फाइनल हो जाए सीटों का फॉर्मूला।